हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो हमने रेडर का टायर चेंज किया था गाइस, तो 130 सेक्शन का जो टायर है हमने वो लगवा लिया था इसमें। तो उसके बाद भाई हमने इसके पीछे से कटवा दिया। तो उसके बाद बंदे बोल रहे थे कि भाई फ्रंट का 80 सेक्शन का टायर है और पीछे वाला 130 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो भाई उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यार प्रॉब्लम तो कोई ऐसी खास है नहीं, बट कुछ प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम है ओवर कॉन्फिडेंस। तो जो पिछला टायर है ना भाई, आपको लीन करने में बहुत कॉन्फिडेंस देगा, जिसकी वजह से आप लीन करोगे भाई और अगला टायर स्किड कर जाएगा और फिर आप गिर सकते हो। ये इसका सबसे ज़्यादा मेन कौन है। तो मैं 90-90 स्पीड में जब मोड़ काटता हूँ ना भाई, मुझे फुल कॉन्फिडेंस मिलता है बैक के टायर से। बट अगला टायर ना भाई, मतलब ऐसा लगता है कि उड़ रहा है। तो भाई ये इसका कौन है, तो आप लोग इसका टायर अगला चेंज करवा देगा जब भी लगेगा। मेरे पास बहुत ग्रिप बची हुई, इस वजह से मैंने इसका चेंज नहीं करवाया। तो मैं भी इसका चेंज करवाने वाला हूँ। जो पिछले वाला मेरा बचा है 100 सेक्शन का, वो मैं फ्रंट में लगाऊंगा और उसका वीडियो आप लोगों को आ जाएगी कि 100 सेक्शन का इसमें फिट होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि 100 सेक्शन का टायर इसमें 100% फिट हो जाता है। तो आप लोग अगर जैसे चाहते हैं तो 100 सेक्शन का लगा सकते हैं इसमें टायर। और बाकी यार स्टेबिलिटी का कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज का लोग पूछ रहे थे कितनी माइलेज घटी है, तो माइलेज भाई जो घटी है वो अननोटिसेबल है भाई। एक या दो की माइलेज घटी है, आप लोगों को पता ही है, वो चीज़ आप नोटिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि कभी आप कैसे रोड कंडीशन में चलाते हो, कभी कैसे रोड कंडीशन में चलाते हो, जिसकी वजह से आप लोग ये जज करना बहुत मुश्किल होता है कि माइलेज घटी है या बढ़ी है। बढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं है, घटी होगी एक दो की। तो भाई इससे ज़्यादा इसकी इंजन से कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है ये। और पिकअप में कोई दिक्कत नहीं है भाई, पिकअप में भी कोई, टॉप एंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी ये 117 इजीली चल जाती थी, अभी भी 117 इजीली चल जाती है। तो भाई मुझे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं लगी है, बिकॉज इसका जो टायर है गाइस वो 130 का फुल यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि गाइस इसका रिम 130 के लिए बना नहीं है। 120 का टायर आप लोग डलवाइएगा, 130 का नहीं डलवाइएगा, क्योंकि देखने में तो वाइड लगेगा बट यूज़ नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकलिटी नहीं रहेगी। और अगर आप चाहते हैं अपना फुल टायर को यूज़ करना, तो आप लोगों को 120 का लाना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से ये एरिया इसका कभी यूज़ ही नहीं हो सकता। जितना मर्जी लीन कर लो मेरे भाई, ये एरिया यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके हाइट को बढ़ाता है, ना कि इसकी विड्थ को। तो उसकी वजह से बाकी चेन में लोग बोलते हैं डैमेज होता है, चेन में कोई मुझे तो डैमेज लगा नहीं भाई। और कई की लोगों बोलते हैं कि डैमेज हो जाता है, बट मेरी चेन में कोई ऐसा डैमेज मुझे नज़र नहीं आया। तो भाई बाकी यार टायर आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर